नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। दोस्तों, कल फिनेंस निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और जिस तरीके से बाजार यहाँ पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी, मुझे लगता है कि फिनेंस निफ्टी की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। एक्सपायरी के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड मिल जाएगा कल। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर कोई ट्रेंडिंग ट्रेड आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, हाँ, स्केल्पिंग जैसा ट्रेड मिलेगा, जैसे आज हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही किए थे, लेकिन बड़ा ट्रेंडिंग ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। 30 पॉइंट, 40 पॉइंट बैंक निफ्टी में, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट आसपास प्रॉफिट लेके आपको भागना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिटेल बात करते हैं। बट एक पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि 44,000 का लेवल को ना बैंक निफ्टी पकड़ के बैठ गया है। पिछला एक्सपायरी भी आप लोगों को याद होगा, 43,900 में ही सब क्लोजिंग आया था, एक्सपायरी क्लोजिंग, राइट। अच्छा ट्रेड मिला था अपने को। मुझे लगता है इस बार 44,000 के रेंज में ही क्लोजिंग देगा, तो हमें इसी जगह का कोई बटरफ्लाई जैसा ट्रेड, आयरन बटरफ्लाई जैसा ट्रेड बना के कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कल इवनिंग से। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन चेन देखने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन चेन कल और बिल्ड हो जाएगा, अगर 44,000 के रेंज में ही नजर आता है तो मैं एक्सपायरी के लिए, क्योंकि एक दिन के बाद वेंसडे, फिर थर्सडे हो जाएगा, ठीक है, एक्सपायरी आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि बाजार 44,000 के आसपास रह जाना चाहिए, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग तो नहीं है। ठीक है, और देखिए ना, यहाँ पर बाइंग में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, ना यहाँ पर सेलिंग में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं है, न्यूट्रल ट्रेड है। यहाँ पर स्ट्रगल स्ट्रेंगल जैसा ट्रेड है, लेकिन स्ट्रगल स्ट्रेंगल आप दिन में बना नहीं सकते। एक कैंडल जाएगा पूरा लेके चले जाता है। मैं करता हूँ एवरीडे छोटे छोटे क्वांटिटी में, मुझे एहसास है, अगर आप लोग करते हो तो आपको ही पता होगा। ठीक है, हाँ, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन जिस समय बनाएंगे थोड़े देर में आपको लॉस दिखेगा। प्रीमियम बिल्कुल नहीं है, प्रीमियम गिर नहीं रहा है, राइट। तो स्ट्रगल स्ट्रेंगल जैसा ट्रेड कैरी फॉरवर्ड में नहीं करना चाहिए, प्रीमियम बिल्कुल है नहीं। 150 पॉइंट के ऊपर नीचे खुल गया तो लॉस मिलेगा, ठीक है, कोई थीटा डीके नहीं मिलेगा, कोई हेज नहीं मिलेगा। तो ट्रेड कैसे करना चाहिए, चलिए देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में। लेकिन पहले निफ्टी में बात करते हैं। निफ्टी थोड़ा ऊपर मूवमेंट किया है, मैं आप लोगों को कई दिन पहले बता रहा था कि अभी ना बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रेंडिंग नहीं है, ऊपर से शॉर्ट हो सकता है, नीचे से बाई हो सकता है। ठीक है, तो 19,300 का लेवल ये भी पकड़ के बैठा है, थोड़ा सा ऊपर चला गया 400 के आसपास। कल अपर साइड में 19,450 के रेंज में हमें शॉर्ट मिल सकता है, 50 से 500 के रेंज में हमें शॉर्ट का ट्रेड मिल सकता है, तो अगेन हमें 300 के आसपास ट्रेड देखने को मिलेगा निफ्टी में। क्योंकि निफ्टी में पिछला एक्सपायरी में 19,300 के आसपास देखा था, तो मुझे लगता है इसी आसपास एक्सपायरी निफ्टी में आना चाहिए। अभी थोड़ा ऊपर जरूर मूव कर गया है, चलिए देखते हैं और फिर निफ्टी में भी बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपका व्यू रहेगा कि मैं ऊपर से शॉर्ट करूं तब तो भी आपको पैसा मिल जाएगा। जैसे आज हम लोग, ये कैंडल छोटा दिख रहा होगा ना आप लोगों को, मैं यहीं पर शॉर्ट किया था टॉप में, यहां पर आया, ये सब सपोर्ट जैसा दिख रहा था। मैं सबको बोला कि भाई यहां पर ना नीचे नहीं जा रहे बाजार, बुक कर लो। आप लोगों ने भी बुक किया होगा, 40-50 पॉइंट तो मिले ही होगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो पोस्ट किया है स्टॉप लॉस कैसे लगाएं इंट्राडे में, उसका एक प्रैक्टिकल भी हो गया होगा आज, और इसे एवरीडे प्रैक्टिस करिए। आप कोशिश करिए यहाँ टॉप में शॉर्ट करने के लिए, यहाँ टॉप में शॉर्ट करने के लिए, जहां भी टॉप से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, हाँ, आपको थोड़ा मार्केट का ट्रेंड देखना है, थोड़ा मार्केट की लॉजिक समझना है कि मार्केट में कितना ट्रेंडिंग है। ठीक है, मार्केट कितना बड़ा मूव दे सकता है, या फिर बाजार डेली चार्ट में देखने के बाद आप देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बड़ा ट्रेंड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा तो थोड़ा सा ट्रेंड को समझ लेंगे तो आपको ना छोटा छोटा ट्रेड भी बहुत अच्छा मिलता रहेगा, एंट्री एग्जिट बहुत अच्छा मिलता रहेगा। ठीक है, ऐसा तो थोड़ा प्रैक्टिस हुआ होगा, और साथ में मैंने निफ्टी में भी ट्रेड दिया था। निफ्टी में तो मैंने इसी कैंडल में ट्रेड दिया था, मेरे पास ओवरनाइट भी ट्रेड था। ठीक है, मैंने आप लोगों को दिया नहीं था, जब यहाँ पर क्लोजिंग दिया दे के जा रहा था तब मुझे लगा कि यार ऊपर गया है, नीचे आ गया है। अब अगर इसको नीचे, मतलब नीचे आ गया है, अगर ऊपर जाना होता तो यहीं रह जाता, मेरा व्यू था। ये नीचे आया क्यों, इसलिए मैं शॉर्ट करके जाता हूँ। सुबह सुबह तो फ्लैट खुला, बहुत स्पीड में ऊपर गया, तो मैं दोबारा क्वांटिटी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास 5,000 क्वांटिटी था। ठीक है, मुझे लगा था कि 60-70 पॉइंट भी नीचे चले जाना चाहिए तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। पहले 15 मिनट में आजकल नीचे जा भी रहा है, लेकिन आज अपोजिट हो गया, आज पहले ऊपर गया, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट किया। ठीक है, छोटा क्वांटिटी ऐड किया मैं, फिर बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट किया, और यहीं पर हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया, और अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर चला गया मार्केट। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना चाहिए दोस्तों। जैसे मैं भी थोड़ा देर पहले बोला, अगर आप इसमें
बाय का व्यू रखेंगे तो लोअर लेवल से बाय मिल जाएगा, आपको बॉटम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपका पास सेलिंग व्यू है तो ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा, आपको रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। सिंपल, कल मुझे ना यहाँ पर शॉर्ट करना है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास मुझे शॉर्ट करना है 19,450 से 19,500 तक मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 19,450 60 का रेंज जैसे दिखाएगा मार्केट, ठीक है। मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी ऐड करूंगा, मतलब छोटा क्वांटिटी ऐड करूंगा, फिर थोड़ा ऊपर चले जाएगा 80 के आसपास, ठीक है, मतलब 480 के आसपास, तो थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर दूंगा। 500 के ऊपर का स्टॉपर्स रखूंगा, तो मैं इसमें 19,000 का ही अगेन कॉल सेल करूंगा। और पता है आपको यहाँ पर लगभग 450 के आसपास में प्रीमियम मिलेगा, 50 पॉइंट से मैक्सिमम ज्यादा एसएल मेरा होगा नहीं, ठीक है। तो इसी हिसाब से मुझे यहाँ से शॉर्ट करना है, मैं शॉर्ट प्रीफर करूंगा, बाई बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ पर बाई के लिए बिल्कुल कोई सेटअप नजर नहीं आता है मुझे। हाँ, बाई हो सकता है अगर 19,300 में ओपन हो जाए तब, अदरवाइज बाई नहीं है मार्केट यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा व्यू है दोस्तों, और अगर 19,300 के बिलो क्लोजिंग करके जाता है तो फिर शॉर्ट का पोजिशन हम लोग कैरी कर सकते हैं, ठीक है। नजर रखिएगा, बहुत पैनिक मत हुई यहाँ पर, बहुत बड़ा गिरावट यहाँ पर नहीं है मार्केट में, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में जैसे आज हम लोग टॉप से शॉर्ट किए थे, ठीक है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस बना के नीचे है, कल मैं यहाँ प्रीफर करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ प्रीफर करूंगा 44,200 के आसपास, 250-200 के आसपास शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड करेंगे, हमें लोअर साइड का इधर का टारगेट रखना चाहिए, ठीक है, मतलब 43,800 की तरफ का, 44,200 के आसपास शॉर्ट करेंगे, और ऐसे कंडीशन में 43,500 का कॉल सेल कर देंगे, लगभग 700 के आसपास के प्रीमियम मिल जाएगा, ठीक है। 70 से 80 रुपए से ज्यादा की स्टॉप लॉस आपका बनेगा नहीं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, नजर रखिएगा, ट्रेड करेंगे, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर निफ्टी में। अच्छा देखिए, एक बात और बताऊं दोस्तों, ऐसे कंडीशन में ना अगर आप दिन भर स्क्रीन में बैठे रहेंगे तो लॉस होगा, ठीक है। इसलिए एक ट्रेड लो, आज भी मैंने दिन में एक ट्रेड लिया था, इसके बाद मैं दिन में घूमने चला गया था, मैं देख लिया था बड़ा ट्रेंड नहीं है और मैं इधर बाई करूंगा नहीं, बाजार है यहाँ पर वीक, बहुत बुलिश है नहीं, ठीक है। और तो कोशिश करिए कि यहाँ पर कम टाइम स्पेंड करिए स्क्रीन में, अगर स्क्रीन में रहेंगे तो कोई ना कोई सेटअप नजर आएगा, कोई ना कोई ट्रेड होगा उल्टा सीधा और लॉस में जाएंगे, ठीक है। हालांकि आज भी मैं सुबह का ट्रेड मेरा दोनों अच्छा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का, लेकिन ओवरनाइट में निफ्टी में मुझे लगभग 64,000 लॉस हुआ था, इस वजह से मैं ओवरऑल लॉस में हूँ। और लॉस कितना है पता है, बहुत बड़ा लॉस किया हूँ आज, 2,000 का, ठीक है। चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिन निफ्टी में। देखिए फिन निफ्टी का ट्रेंड, इसमें भी कोई खास ट्रेंड नहीं है, लेकिन हमेशा मैं राउंड फिगर के लेवल को ध्यान रखता हूँ, 19,500 का रेंज, ठीक है। आज 600 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो लाइव में मेरे साथ लड़के ट्रेड करते, उन लोगों को मैं बता रहा था ना, मार्केट का रेंज मुझे अपर साइड में 700 नजर आ रहा है, लोअर साइड में 500 नजर आ रहा है, मुझे लगता है इसी रेंज में इसकी एक्सपायरी क्लोजिंग आने वाला है, ठीक है। कल आप ध्यान रखिए 940, एक लॉजिक बताता हूँ, ध्यान रखिएगा 940 के आसपास अगर 19,000, पिछले बार मैं एक ही लेवल बता दिया था, इस बार दोनों लेवल बताता हूँ, 940 के आसपास आपको ध्यान रखना है, अगर 19,500 में है तो दोनों कॉल पुट सेल कर दीजिए, हमारे पास ऑलरेडी है 550 का, ठीक है। अगर 19,500 में है, ओके, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर बाई कर लीजिए, 100 पॉइंट नीचे बाई कर लीजिए, दोनों कॉल पुट को सेल कर लीजिए, आयरन बटरफ्लाई का ट्रेड हो जाएगा, 1:2 के आसपास का टारगेट मिलेगा, ठीक है। शांति से बना के बैठो या घूमने चले जाओ, गदर दोबारा पिक्चर देख के आओ, मैं जाऊंगा, मैं 940 के पास देखूंगा कहाँ पर है मार्केट, ट्रेड बनाऊंगा और स्क्रीन छोड़ूंगा, आके 3:15 बजे, 3:15 बजे स्क्रीन ओपन करूंगा, देखेंगे जो प्रॉफिट रहेगा ठीक है, और जो लॉस रहेगा तो स्वीकार कर लेंगे यार, ठीक है, बस यही ट्रेड करना है। तो 940 में देखना है कहाँ पर है, अगर 940 में 19,550 है, ठीक है, जो हमारे पास ट्रेड ऑलरेडी है, अगर आप लोग इवनिंग में बना के गए होंगे तो टेलीग्राम चैनल में मैंने दिया है, नहीं बनाए होंगे तो डोंट वरी, चिंता मत करिए, इसमें कुछ फायदा नहीं मिलेगा सुबह सुबह अपने को, बस मन में खुजली आती है, करने का मन करता मतलब सो करके चले गए, ठीक है ओके, तो कुछ ज्यादा इसमें मिलने वाला नहीं है सुबह सुबह, सुबह सुबह आपको 940 में ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर मार्केट है अगेन वही करना है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे बाई कर लो, दोनों कॉल पुट को सेल करके शांति से बैठ जाओ और 3:15 बजे ट्रेड टर्मिनल क्लोज कर लो, 3:15 बजे से मतलब 3 बजे से लेकर 3:15 बजे के बीच में टर्मिनल क्लोज कर लेना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बढ़िया ट्रेड हो सकता है, मुझे लगता है आप इसे कल जरूर ध्यान रख सकते हैं, यही ट्रेड बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर ये 19,450 आ जाए तो छोड़ दो, कुछ मत करो, ठीक है, अगर ये 600 के ऊपर चले जाए तो छोड़ दो, कुछ मत करो, फिर सेटअप में नहीं आएगा, फिर छोड़ दीजिएगा, वापस आएगा जिस समय इस भाव में आएगा ना,
मतलब 500 से 550 के बीच में जब आएगा तभी बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इसमें देखते हैं कल कैसे ट्रेड करेंगे। कोटक बैंक आज भी आपको ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड मिला होगा अगर आप कर पाए होंगे तो, ठीक है। और कल मैं फिर इसमें शॉर्ट का ट्रेड देखना चाहता हूं, अगर 1770 के आसपास मिलता है अगेन शॉर्ट का ट्रेड करेंगे यहां पर, ठीक है। और एसएल रखेंगे 1770 में शॉर्ट करेंगे तो 10 पॉइंट के एसएल रखेंगे और 1750 के आसपास का टारगेट रख लेंगे, 40 के आसपास जितना नीचे चले जाए, क्योंकि नीचे की तरफ ना इसका बहुत जगह है, इसे जाना चाहिए, अभी पूरा जगह है इसे नीचे की तरफ जाने के लिए जितना चला जाए, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों कल के लिए देखिए आप एचडीएफसी बैंक को, ये ना फिन निफ्टी को अकेले घुमा सकता है गुरु, कल आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। अगर ये ना लोअर लेवल में ब्रेक किया तो बहुत खतरा होने वाला है, ठीक है। 1580 के बिलो, 1580 के बिलो ना ये खराब हो जाएगा, तो मुझे लगता है ये पहले नीचे जाके फिर वापस जा सकता है, फिर अगेन 19,500 या 550 में आके फिर निफ्टी क्लोज दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं है, लेकिन इसको जरूर वॉच करना, फिर निफ्टी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एचडीएफसी का बहुत वेटेज है, राइट। चलिए अब स्टॉक देखते हैं दोस्तों। रिटेस्ट में बाई करने का ट्रेड है, ठीक है। नौकरी डॉट कॉम बहुत फास्ट गिरा है, मुझे लगता है यहां से रिवर्सल मिलने वाला है, तो कल वॉच करिए आप, कल वॉच करिए आप इसे 4140 के आसपास, 4140 के आसपास यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में कोई ग्रीन कैंडल देखेंगे तो बाई का प्लान करेंगे, ठीक है। और कम से कम 30 रुपए के आसपास का, 30 से 40 रुपए का स्टॉपस रखना पड़ेगा इसमें, थोड़ा इनलिक्विड होता है, हाई बीटा स्टॉक है, बहुत फास्ट मूवमेंट अपर साइड भी देगा, बहुत फास्ट मूवमेंट नीचे भी देगा, तो अगर हमें 4140 के आसपास मिलता है तो बाई का प्लान करेंगे, बहुत सिंपल। इसी तरीके से रीटेस्ट में आपका एचडीएफसी कार्ड है, तो एचडीएफसी कार्ड को भी नजर रखिए, 8:30 के आसपास कल अगर हमें मिलता है तो थोड़ा सा वेट करने के बाद ग्रीन कैंडल कोई बनता है 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट में तो रिवर्सल का प्लान करेंगे, इसको 8:30 में 5 रुपए कैसल रखेंगे और 8:40 45 के आसपास का टारगेट रखेंगे, सिंपल, ओके। चलिए नेक्स्ट एचडीएफसी फ्यूचर है, ओके। अब आइए डिक्सन में, डिक्सन में ना कल मुझे लगता है ट्रेंडिंग में ट्रेड डालना चाहिए, बहुत ही अच्छा प्राइसेस एंड पैटर्न बना है, ठीक है। एक कंटिन्यू में ऊपर जाएगा, टॉप में बाई नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे बाई चाहिए अपने को, और मुझे लगता है यहां पर मिलना चाहिए कल यहां पर, ठीक है। तो 4850 का लेवल नोट करिए, 50-60 पॉइंट नीचे मिल जाएगा तो यहां पर बाई करेंगे, रीटेस्ट हो सकता है, और यहां पर हमें लगभग 30 रुपए कैसे डालना पड़ेगा, अपर साइड का कम से कम 70 से 80 रुपए का टारगेट आपको मिल सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी में, नजर रखिएगा, लोअर बॉटम से बाई का ट्रेड इसमें मिल सकता है अपने को, ओके। एसर मोटर का ट्रेड रहा होगा दोस्तों, मैंने एसर मोटर का ट्रेड क्लोज कर लिया है, लगभग 16-17 हजार मुझे प्रॉफिट मिला, अच्छा प्रॉफिट था, मेरे पास 3 लॉट था और आपके पास भी रहा होगा तो आप भी प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू और लेवल, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।